बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमजा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमजा। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताने जा रहा हूँ कि पेपर, गेस्ट पेपर और आप लोगों का पेपर कहाँ से आने वाला है और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आप लोग करंट पेपर अपने शेयर किया करते थे उस हवाले से आप लोगों के साथ एक अच्छी न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है। और वही शुरू में जो मैं बात कहता हूँ, 300 लाइक्स आप लोगों ने इस वीडियो पे कंप्लीट करें। मुझे पता है जब तक मैं याद न कराऊँ आप लोग भी लाइक नहीं करते, तो जल्दी से जी वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। उम्मीद है कि लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है मिड टर्म आप लोगों के बिल्कुल सर पे आ चुके हैं और 2 से आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो स्कूलों में छुट्टियां हुई हैं उससे चलो आप लोगों को फायदा ये हो गया है कि चलें अब आप लोग कुछ जो लोग थे वो ज्यादातर लोग एजुकेशन फील्ड से ही वाबस्ता होते हैं, तो वहां से ही टीचर हजरात ही जो होते हैं वो बी एड कर रहे होते हैं, मास्टर्स की डिग्री एम फिल कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए फायदा हो गया, आप आसानी से आप लोग अपने पेपर दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर ये हो गया कि अब आप लोग करंट पेपर, ज्यादातर पेपर जो होता है ना स्टूडेंट्स अपना पेपर दे के आते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फेसबुक नहीं होती या व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं होते, जैसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं उनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं होता या वो किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहती, काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए जैसे मैंने लास्ट टाइम भी यही काम किया था, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर पता ही होगा, लेकिन जितने न्यू हैं उनको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि होता ही है कि कुछ लोगों का पेपर आज होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, CS 101 एक सब्जेक्ट है जी, आज आपका पेपर है 2 बजे, कल किसी और का 2 बजे हो सकता है, हो किसी ने 10 बजे रखा हो, किसी ने 12 बजे रखा हो, किसी ने 4 बजे रखा हो, तो मुख्तलिफ किस्म के पेपर होते हैं। वर्चुअल नेस्टिंग का सॉफ्टवेयर जो होता है एक एल्गोरिथम ऐसा चल रहा होता है कि वो शफल करके पेपर देता है, क्या करता है क्वेश्चंस को शफल करके आपके पेपर के अंदर जो है इंक्लूड करता है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सेम क्वेश्चन, एक दो सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है बिल्कुल डिफरेंट पेपर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पूरे का पूरा पेपर सेम आ गया। अब होगा क्या कि मैंने वेबसाइट के अंदर एक ऑप्शन रखा है स्टूडेंट पोस्टिंग के हवाले से कि स्टूडेंट खुद पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस हवाले से चले मैं डेमो वीडियो भी कल अपलोड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बताते लूँ कि आप लोगों ने मेरी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना लेना है, ठीक है। मैंने अपनी दोनों वेबसाइट यहाँ पे नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पर अपना अकाउंट बना लें। होगा क्या कि वहां पर आप लोगों को पूरा ऑप्शन होगा, जैसे आप फेसबुक पे अपलोड नहीं करते कोई भी चीज, कुछ भी लिख के आप अपलोड करते हो, तो वहां पर बच्चे क्या करेंगे, आपका जो भी पेपर होगा आपने वहां पे लिखना है अपना सारा पेपर और वहां पे पोस्ट कर देना, वो सबको शो होगा, ठीक है। उससे फायदा ये होगा आप अपना पेपर शेयर करेंगे, बाकी बच्चे अपना अपना पेपर शेयर करेंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि आप लोग एक दूसरे का पेपर देख सकते हो। उससे फिर नेक्स्ट आप लोग वो वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। देखें हर एग्जाम्स में कोई पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कोई टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहां से आप लोगों को यह अंदाजा हो जाएगा किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नए बच्चे जो है वो उनको अंदाजा हो जाएगा सारी चीजों का। तो आप लोगों ने अपने पेपर शेयर, देखिए आप लोग शेयर करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे, अगर आप दूसरों के मुंह को देखते रहेंगे जी दूसरे करेंगे, तो पहले आप लोगों की ड्यूटी है ये कि आप लोगों ने अपने पेपर शेयर करने हैं, फिर बाकी बच्चे भी इंशाल्लाह जरूर इसको शेयर करेंगे। और मैंने खैर अपनी एक एंड्रॉइड ऐप भी बना ली है, ठीक है, इस हवाले से वर्चुअल नेस्टिंग के काफी उसमें मैंने चीजें जो है वो ऐड की हैं। आप दुआ करें जल्दी से वो गूगल प्ले के ऊपर जो है प्ले स्टोर के ऊपर जो है वो पब्लिश हो जाए, फिर आप लोगों को वो एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा, उसमें भी आप लोगों को हर एक मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पर बहुत ज्यादा आसान चीजें हो जाएगी। ये जितनी भी चीजें कर रहा होता हूँ इसमें आप लोगों के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए, या आप लोगों का जितना भी चीजें हैं वो आप लोगों के लिए ईजी रहे, इसके लिए ये सारी चीजें कर रहा होता हूँ। बाकी मैं वेबसाइट्स का लिंक नीचे देता हूँ, आप लोगों ने अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर करना है चीजों, ठीक है, वहां से डाउनलोड करें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहां पे मिड टर्म के हवाले से भी क्लियर करता चलूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। देखिए एग्जाम्स डे से पहले आप लोगों के पास रिजल्ट कार्ड, सॉरी रिजल्ट कार्ड कह रहा हूं, डेट शीट की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, उसका प्रिंट पहले ही निकलवा लें। दूसरे नंबर पर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, वीयू का। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने मास्क पहन के जाना है, ठीक है, कोशिश यही करनी है कि टाइम से पहले जाएं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कितना टाइम लेट हो सकते हैं, 15 मिनट से लेट हुए तो आप लोगों का पेपर अपसेट, यानी कि खुलेगा ही नहीं। 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा टाइम होता है कि इस टाइम के अंदर आप लोगों ने पहुंचना है, लेकिन कोशिश करनी है 15 मिनट पहले आप लोग पहुंचे, क्योंकि यहां पर अगर आप लोगों का पेपर जो है वो काउंट ना हुआ तो फिर आप लोगों को वहां पर अपसेंट तसव्वुर हो गए, फिर आप लोगों को रीशेड्यूल करना पड़ेगा, रीशेड्यूल की फी आप लोगों को पर पेपर 2000 जमा करवानी पड़ेगी, तो काफी मसाइल बनेंगे। तो कोई पेपर छोड़े ना, मिड टर्म के कोई भी पेपर मिस ना करें जानबूझ के या किसी भी वजह से, क्यों, क्योंकि मिड टर्म के अंदर अगर आप लोग नहीं बैठोगे तो आप लोग फाइनल टर्म में नहीं बैठ सकते। ये मैं क्लियर कट बात बता दूं, 20% मार्क्स लेना बहुत ही जरूरी है मिड टर्म और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जितनी भी ये एक्टिविटीज हैं, क्विज, जीडीवीज,
ठीक है, तो इनमें से 20% लेना बहुत जरूरी है। तो मिड टर्म अटेम्प्ट करना आप लोगों के लिए बहुत कंपलसरी होगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों के जहन में बैठ गई होंगी। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है। और एक और चीज, मैं कोशिश करूंगा आज या कल लाइव सेशन करूं जिसके अंदर आप लोगों के तमाम क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूं, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा मैं अपने चैनल के ऊपर आज, अगर हो सका तो मैं रात को कर लूंगा 8-9 बजे, देखता हूं अगर पॉसिबल हुआ तो, और नहीं तो कल लाजमी करूंगा, ठीक है, रात के टाइम, ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर मैं वहां पे आप लोगों को लाइव दे सकूं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और मेरा लाइक 300 टारगेट कंप्लीट करते हो तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप लोग इस तरह से सपोर्ट कर रहे होते हो। बाकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और लेक्चर्स लें, अपने पास पेपर से तैयारी करें, हैंड आउट्स को अच्छी तरह से देखें, इंशाल्लाह ताला आप लोग अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हो जाएंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करें। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।